काफी सस्ते में मिल रहा है, वो भी 100 रुपए में। ओए होए प्रेम की। हर एक युग की अपनी एक कहानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 24 सितंबर और आज मैं जा रहा हूँ प्रेम गीत 3 देखने के लिए। तो अभी थोड़ी सी लेट हो चुका हूँ, 1 बजे की शो है, अभी 12:15 हो चुका है। मेरे घर से लगभग आधा घंटा लग जाएंगे वो पे जाने के लिए सिनेमा हॉल थिएटर पे, और वहाँ पे जाके टिकट बुकिंग करना है। उस समय के लिए थोड़ा सा लेट है, लेकिन शो में अभी तैयार होने वाला हूँ और यहाँ पे देख पा रहे मीरा। और बहुत दिन के बाद मैं थिएटर में जा रहा हूँ और बहुत ही मजा आने वाला, वो भी नेपाली मूवी। डबिंग हो रहा है हिंदी में है, लेकिन मजा तो आएगा लग रहा है। प्रेम गीत 3 जो कि कमाल का मूवी होने जा रहा है, इंडिया में धमाल मचाने वाला है। 24 नवंबर आज मतलब सेकंड है मूवी का। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिनेमा हॉल और आप सभी को रिव्यू दूंगा प्रेम गीत 3 का। था सीन कैसा है, अच्छा है अच्छा नहीं है, मैं आप सभी को फुल रिव्यू दूंगा इस मूवी का। अब डायरेक्ट सिनेमा हॉल में जाके आप सबसे मिलता हूँ, चलिए चलते हैं देखते हैं और चलते हैं बढ़िया से देखते हैं। प्रेम गीत 3 स्टार्टिंग में लगे तो गाइस शुरू हो चुका है प्रेम गीत 3। हर एक युग की अपनी एक कहानी गूंज, सदियों तक की एक युग की कहानी है, पे अपने कब्जे में कर रखा था। खासकर रांची में पहली बार लगा था और फनी सिनेमा में जहाँ पे हम लोग सभी लोग जाते हैं रांची के वासी लोग, और काफ़ी अच्छा लगा। सो टाइमिंग 1 बजे है और 9:30 बजे रात के, 2 ही है। सो खासकर फनी सिनेमा और भी है यहाँ पे रांची में, तो आप सभी लोग इंजॉय कर सकते हैं प्रेम गीत 3। जो कोई भी मतलब लव स्टोरी देखना चाहते हैं, एक्शन मूवी देखना चाहता है, वो सब इस मूवी में आपको मिलेगा और काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, वो भी 100 रुपये में 100 रुपये में आपको मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा आनंद ले सकते हैं इस मूवी का आके। खासकर आप सभी को देखिए मूवी को, और मैं मूवी को 5 में से 4 स्टार देना चाहता हूँ इस रिव्यू है ये मूवी का। और जो वॉइस ओवर जो किया बहुत ही अच्छा, खासकर बहुत ही अच्छा किया, 5 में 5 देना चाहता हूँ वॉइस ओवर। वॉइस ओवर हिंदी में किया है और बहुत ही मतलब खूबसूरत, और पंडित ने जो गाना गाया है वो माशाल्लाह। जो कोई भी एक्टर सिंगर सभी को ने बहुत ही अच्छा काम किया इस मूवी में, और क्या बताऊँ आपके आप सभी को थिएटर में देखिएगा और सिनेमा में लगा हुआ है, आप सभी को देखिए एक बार इंजॉय कीजिए। और फैमिली मूवी है, फैमिली के साथ भी आके देख सकते हैं और कपल के साथ भी आकर देख सकते हैं और अकेले भी आकर देख सकते हैं। फ्रेम 1 पे फ्रेम 2 जो कि आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं नेपाली वॉइस में, और फ्रेम गीत 3 जो कि डबिंग किया हुआ है हिंदी में और बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन नेपाली वॉइस में रहता तो और बहुत ही अच्छा लगता हम लोगों को। ये फ्रेम गीत 3 अगर हम लोग का नेपाली वॉइस में रहता तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो पाते, इस बात का ध्यान रखा करें। और हिंदी और नेपाली दोनों में वॉइस रहना चाहिए ताकि हम लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही नेपाली मूवी सब आते रहेंगे हम लोगों के रांची में, और हम लोग देखते रहेंगे प्रेम गीत 3। उम्मीद करता हूँ पार्ट 4 भी आएगा प्रेम गीत 3 के, और उम्मीद करता हूँ नेपाली मूवी भी करेंगे सिनेमा के अंदर। आप सभी को आके एक बार देखिए सिनेमा हॉल में, आप लोग जितने करीब है सिनेमा हॉल वहाँ पे जाके आप लोग आनंद ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मूवी है। और आप सभी को आके एक बार सिनेमा हॉल में ज़रूर देखिएगा, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद लगा, और कुछ कुछ गाने गाया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत अच्छे से गाया हुआ है, और बहुत ही अच्छा मूवी रहा। आप सभी आके एक बार सिनेमा हॉल में देखिएगा, और बाकी सब आप सभी को सिनेमा हॉल में देखिए। यही था आज का रिव्यू, आप सभी को कैसा लगा, पसंद लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ब्लॉग्स को लाइक कीजिए।
तो अब मैं जा रहा हूँ घर और जाके फिर वही रूटीन खाना खाना, और वैसे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक तो पिया हूँ लेकिन अब घर जाऊँगा और वहाँ पे खाना खाऊँगा और उसके बाद रेस्ट करूँगा और बाकी शाम में कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे जाऊँगा। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। बहुत दिन के बाद ब्लॉग्स आ रहा है भाई। ब्लॉग्स क्यों आ रहे थे लेट, इसलिए कि सॉफ्टवेयर मेरा नहीं था। यूट्यूब पे जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता था वो मेरा सॉफ्टवेयर ख़त्म हो चुका था, डिलीट हो चुका था, इसलिए नहीं आ रहा था। कुछ वीडियो एडिटिंग ऐप है वो सब हट चुका था, अब आया, अब कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते अगले ब्लॉग्स। अब स्टार्ट करूँगा और जाऊँगा घर की ओर।